हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। मैं आपको स्वागत करता हूँ और मैं बहुत जल्दी जल्दी आपको सिखाने वाला आ चुका हूँ कि आप कैसे एक बेहतर से बेहतर और सबसे गुड एंड एक्शनेबल गूगल एड्स कैंपेन आप कैसे सीख कर सकते हो। राइट फ्रेंड, ये ट्यूटोरियल वीडियो आप अगर पूरा देखेंगे तो आई होप कि आपका जो गूगल एड्स जो है वो कैंपेन अगर 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 आप गूगल पे चलाएंगे तो कैसे सबसे ज़्यादा क्लिक मिल सकते हैं, कैसे आपको सबसे ज़्यादा बिजनेस मिल सकते हैं, ये जानने के लिए गूगल एड्स टिप ट्यूटोरियल क्लास आपको देखना ही होगा। फ्रेंड, ये गूगल एडवर्ड ट्यूटोरियल ट्रेनिंग पर्पज़ के हिसाब से मैं आपको सिखा रहा हूँ और यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेंगे कि कैसे आप गूगल एड्स के ऊपर एक एक्सपर्ट बन सकते हो और ये प्रोफेशनल पीपीसी एक्सपर्ट ट्रेनिंग क्लास। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गूगल एड्स कैंपेन चलाने से पहले मैंने एक एड एक्सटेंशन मैंने क्रिएट किया। राइट, और आप अगर प्रोफेशनल हो, पहले से मेरा चैनल फॉलो कर रहे हो, तो आप जानते हो कि कैसे ये सारी चीज कर सकते हैं। राइट, तो फ्रेंड यहाँ पर मैं जब एक एड कैंपेन क्रिएट करूंगा तो कैसे मेरा एड कैंपेन सबसे ज़्यादा क्लिक मिल सकते हैं। जैसे आप जानते हो कि अभी जो टाइम चल रहे है, इसी टाइम के हिसाब से बहुत सारे लोग गूगल पे ऐड चलाता है। राइट, और गूगल एड कैंपेन चलाना इतना मुश्किल काम भी नहीं है, बहुत आसान कर दिया, और ये जो नया गूगल एड्स है इसके अंदर बहुत ईजी भी कर दिया। राइट, तो यहाँ पर जो मेन मामला है, पहले आपको एक यूआरएल चूज करना है, इसके साथ साथ आपको हेडलाइन क्लिक करना है, जैसे हेडलाइन टू, और इसके साथ साथ हेडलाइन थ्री ये क्लिक करना है। तो फ्रेंड, ये हेडलाइन वन मीन आपको हेडलाइन एस वन टैग, और एड हेडलाइन टू मीन हेडलाइन एस टू टैग। राइट, और यहाँ पर हेडलाइन थ्री मीन हेडलाइन एस थ्री टैग। राइट, तो ये तीनों टैग के अंदर आपको मेन जो कैटेगरी आता है, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग एक सर्विसेज है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर ये भी एक सर्विसेज है, तो ये कैसे लिखकर आप एक एक्शनेबल एड कैंपेन चला सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं एक एड कैंपेन कैसे लिखते हैं, और इसके साथ साथ हम पूरा डिटेल्स बैक टू बैक आपको ये वीडियो के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कोशिश करेंगे। फ्रेंड, एड कैंपेन जब आप चलाएंगे तो वो एड भी गूगल टॉप पे दिखना चाहिए, नहीं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटीआर आई मीन क्लिक थ्रॉट रेट वो नहीं बढ़ेंगे और आपका क्लिक जो है वो नहीं होगा। फ्रेंड, आप जानते हो कि गूगल का एड पॉलिसी के हिसाब से उसका एल्गोरिदम भी बहुत अच्छा और बेहतर भी है। अगर मान के चलिए कोई तीनों फ्रेंड यहाँ पर एड कैंपेन चला रहे, फॉर एग्जाम्पल आपने एक एड कैंपेन चला दिया और दूसरा जो पार्टी है, थर्ड पार्टी पीपीसी एक पार्ट, वो भी एड कैंपेन चला रहा है, पर ये जो चार है, ये आपने एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन बॉस्टन से लिखा जो यूएसए के अंदर आता है, ये लिखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये एड आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, या ये एड आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, या आपने ये पिज्जा ऑनलाइन पिज्जा डिलीवरी ये लिखने के बाद अगर आपको ये दोनों से अगर आपको ये बेहतर लगता है, तो क्या होता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये एड पे क्लिक करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो एड्स है ये आपको टॉप पेज में आ जाएगा। फ्रेंड, यहाँ पर एसईओ के लॉजिक भी थोड़ा सा आपको जानकारी होना चाहिए कि अगर आप एक अच्छे से अच्छा टाइटल लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्लिक भी आपको मिल सकते हैं, और कैसे ये हम इसके अंदर भी हम देख सकते हैं। राइट, तो फ्रेंड कोई भी सर्विस या कोई भी आपको जो प्रोडक्ट है वो सेल करने से पहले पहले आपको प्रोडक्ट के लिए एक लैंडिंग पेज, आपको प्रोडक्ट के लिए एक अच्छे से अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन आई मीन जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पर, ये आपको सही तरीके से लिखना है। और नंबर थ्री है कि आप लोगों को ऑफर भी करिए, इमोशनल ऐड दीजिए, और इसके साथ साथ आपको डिस्काउंट भी है तो आप डिस्काउंट जरूर करिए। फ्रेंड, याद रखिए कि कोई भी ऐड कैंपेन चलाने के लिए आपको जो ऐड की जो प्रॉमिस है वो प्रॉमिस और जो कर रहे, और आपका जो वेबसाइट की जो टेक्स्ट कंटेंट है उसके साथ अगर 80 to 90% मैच हो जाए तो सबसे ज़्यादा बेहतर से बेहतर आपको एड कैंपेन अप्रूव भी हो जाता है और क्वालिटी स्कोर भी बढ़ जाता है। फ्रेंड, यहाँ पर तो चलिए शुरू करते हैं, मैं यही कीवर्ड मैं उठाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल 20% ऑफलाइन, तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा दे देता हूँ और मैं यही सेम चीज आपको डिटेल से बताता हूँ कि कैसे आप ये सारे चीज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने एक कॉपी पेस्ट लगा दिया। राइट, आप जानते हो कि कोई भी एड कॉपी पेस्ट करना गलत है, पर आप आपका खुद का स्टाइल्स जो है वो लिखिए। और एक चीज फ्रेंड, एड के अंदर आप कोई भी कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो आप यूज नहीं कर सकते। राइट, तो ये भी आप ध्यान रखिए, अगर आपका खुद का ब्रांड नेम है, खुद का बिजनेस नेम है, तो जरूर आप वो मेंशन करिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर पिज्जा लिखना चाहता हूँ, तो ऑनलाइन फूड ये आप लिख सकते हो। राइट, तो 50% ऑफ ऑन फूड डिलीवरी फूड ऑर्डर, तो ओ आर डी आर, तो ये आप लिख सकते हो। इसके बाद अगर ये सारे चीज आ जाते तो आप
प्लीज सेकेंड लाइन पे लिखे। फ्रेंड अगर आप 50% ऑफ ऑन फूड डिलीवरी ये लिखेंगे फूड ऑर्डर, और इसके साथ आप देखिए डिलीवरी फर्स्ट, मतलब कोई अगर ऑनलाइन से डिलीवरी करते हैं तो आप उस लोगों को कैसे तरीके से आप सर्विस दे सकते हो, ये सारी चीज आप मेंशन कर सकते हो राइट। तो अगर टुडे कॉल हुए, टुडे कॉल नाउ हुए, तो आप जल्दी से जल्दी कॉल करिए, ये भी एक फोर्स है, मतलब लोगों को आप फोर्स करें। तो फ्रेंड अगर आपका कीवर्ड ऑनलाइन पिज्जा होगा तो प्लीज अब यहाँ पर भी जो पर थे डिस्प्ले पर, तो ONLI ऑनलाइन और आप लिखिए पिज्जा PIZZA। फ्रेंड ये क्या होता है कि अगर आपका ऑनलाइन पिज्जा की ये है URL और आपका यहाँ पर अगर पिज्जा डिलीवरी लिखेंगे के 50% ऑफ ऑन पिज्जा फूड या पिज्जा ऑर्डर, तो आप फूड की डिलीट करके अगर आप पिज्जा लिखेंगे तो आई होप आपको सबसे ज्यादा बेहतर से बेहतर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बिकॉज फ्रेंड अगर कोई पिज्जा लिखता है तो आपको टाइटल के हिसाब से जो पिज्जा है और जो डिलीवरी है ये आपको मिल जाता है राइट। और ये सारे चीज अगर आप लिख लेंगे तो आपको एड कैंपेन के जो परफॉर्मेंस जो रैंक होता है वो भी जल्दी से जल्दी मिल जाता है। फ्रेंड इसके बाद आता है कि आप उन लोगों को कैसे फोर्स करना चाहते हो, अगर आपको पिज्जा ऑर्डर करते हैं तो आपको कैसे बेनिफिट आप दे सकते हो। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए यूज कोड, अगर आप ये कोड भी यूज करेंगे तो आपको और 50 रुपीज आपको डिस्काउंट में मिल जाएंगे, यहाँ तक आपको 100 रुपीज भी मिल जाएंगे। तो आप भी खुद दूसरे लोगों को एड कैंपेन एनालाइज करके भी आप एक नया जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखिए, और लिखने के बाद आप भी एड कैंपेन चला सकते हो। तो फ्रेंड मैं यहाँ पर ये थोड़ा सा इतना तक रुकना देता हूँ, और मैं आपको और एक चीज मेंशन करना चाहता हूँ, अगर आप एड कैंपेन के द्वारा और भी कुछ टेस्टिंग परपज करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग की देखे, तो ये जो साइट लिंक है अगर ये साइट लिंक आप क्रिएट करेंगे तो आपका जो एड कैंपेन के जो क्वालिटी स्कोर है ये बहुत अच्छा तरह बढ़ जाता है। तो फ्रेंड आई होप कि एक अच्छा एड कैंपेन चलाने के लिए आपको मिनिमम मैक्सिमम एक डिस्काउंट के ऑफर देना चाहिए, एक बेनिफिट आई मीन जैसे डिलीवरी सुपर फास्ट, मतलब आप अगर डिलीवरी करेंगे तो सुपर फास्ट होना चाहिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हो या कोई भी आईटी कंपनी के अंदर आप बिजनेस कैंपेन चला रहे हो तो आपको भी ये बोलना चाहिए कि वी आर जस्ट परफेक्ट वन टाइम डिलीवरी, आई मीन टाइम के हिसाब से आप सर्विसेज डिलीवरी करेंगे राइट। और आज रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका डिस्काउंट मिलेंगे 20% या 50%। और फ्रेंड ये कस्टमर एनालिसिस कोड या प्रोग्राम ये सारे चीज आप लिखकर उसको दे सकते हैं। तो ऐसा ही करके आप एक खूबसूरत एड कैंपेन बना सकते हो। और फ्रेंड हाँ, जो कीवर्ड आप मेंशन करो वही कीवर्ड से अगर आप एक टाइटल बनाने के लिए कोशिश करेंगे तो आई होप आपको जल्दी से जल्दी गूगल एड्स की रैंक भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पिज्जा ऑर्डर, तो अगर कोई गूगल पे ये लिखते हैं कि गूगल ऑनलाइन पिज्जा डिलीवरी या ऑर्डर, तो ये यहाँ पर ऑर्डर लिखते हैं तो आपको ये एड शो होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। फ्रेंड इसलिए बढ़ जाते हैं बिकॉज आपके कीवर्ड के अंदर जो आपकी जो टाइटल है, टाइटल के अंदर आपने कीवर्ड इनपुट किया, इसी हिसाब से भी आपको रैंक हो जाता है। अगर मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको कीवर्ड आई मीन पिज्जा ऑर्डर भी है तो वो भी जल्दी से जल्दी रैंक हो जाते हैं। तो फ्रेंड आई होप कि आपको समझ में आ चुका है कि आपको एक डिस्काउंट की गेम खेलना है, एक इमोशनल आपको एड कैंपेन क्रिएट करना है, एक सर्विस बेनिफिट लोगों को पास पहुंचाना है, ये सारे चीज आप फॉलो करेंगे तो आई होप कि आपको क्लिक ट्रॉट रेट आई मीन जो आपको एड की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर से बेहतर बनता रहेगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड मेरा साथ देने के लिए इंपॉर्टेंट टाइम, इसलिए मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मिलते हैं नया एक वीडियो के साथ, तब तक आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।